हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आटे से एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी और इतना इजी है इसको बनाना। बहुत ही इजी रेसिपी जो कि आप मॉर्निंग में आप इसको फटाफट 10 मिनट में बिल्कुल रेडी कर सकते हो और इतना टेस्टी लगता है कि आप इसके आगे ना आलू के परांठे हों या सारे परांठे इसके आगे बिल्कुल फीके ही पड़ जाते हैं, इतना यम्मी लगता है ये। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आटे से बनने वाली इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी रेसिपी और इतना इजी है इसको बनाना, बेहद और कम समय में बन जाता है। तो ये इतना सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना सॉफ्ट है ये, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और आज हम इसके साथ बनाएंगे गार्लिक चटनी जो कि इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो आप इसको सॉस के साथ खाएं या फिर आप जो है ना इसको चाय कॉफ़ी किसी के साथ भी ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। और ये दही के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, आप दही के साथ भी खा सकते हैं, बड़ा ही यम्मी लगता है ये सभी के साथ। तो ये गार्लिक चटनी आज हम इसके साथ बनाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और देखें यहाँ पर हमने जो है ना 1 कप ले लिया है अपना नॉर्मल गेहूं का आटा, तो 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। और इसमें आधी चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 चम्मच के करीब है ये। और इसमें अभी हम मिलाएंगे 1 चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक लहसुन और आधी चम्मच इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची और यहाँ पर 1 चम्मच हमने मेल्टेड बटर डाल दिया है, पिघला हुआ मक्खन। और अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम ना घोल बनाएंगे, तो आटा नहीं गूंदेंगे, इसका हम घोल तैयार करेंगे। तो देखते जाइए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको घोल बनाएंगे, तो इस तरह से मिलाते जाएंगे इसको। तो यहाँ पर हम पानी जो है ना यहाँ पर अभी 1 कप लिया है, तो अभी 1 कप हम पानी इसमें धीरे धीरे मिलाते हुए इसका घोल तैयार करेंगे और मैं बताऊंगी कि मेरा इसमें 1 कप आटे में कितना पानी गया है। तो इस तरह से धीरे धीरे मिलाते जाएंगे अच्छे से, इसके अंदर लम्स नहीं आने चाहिए इसीलिए अच्छे से मिलाएंगे। तो ये देखिए जल्दी जल्दी मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा 1.5 कप इसमें पानी जा चुका है, तो आपका 1.5 कप इसमें पानी लग जाएगा। अब इसको इस तरह से मिला लेंगे और ये हमारा एकदम स्मूथ बैटर तैयार है। इसी तरह से आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल लम्स नहीं है इसके अंदर। तो गैस पर हमने पैन को हीट होने के लिए रख दिया था और इसके ऊपर अब डालेंगे 1/2 कप के करीब मैंने ये बैटर लिया है और इसको पूरे में स्मूथ तरीके से इसको फैला लेंगे, थोड़ा सा पतला ही करके फैलाना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना इसको, नहीं तो ये फूलेगा नहीं। और जितना पतला होगा उतना ही ये सॉफ्ट हो जाएगा और फूल जाएगा। और इसको पलट लेंगे और इस तरह से जो है ना दबा दबा के इसको सेकेंगे जिससे कि ये फूल जाए। थोड़ा सा बटर डालेंगे और दोनों साइड से अच्छे से इसको सेक लेंगे। गार्लिक पराठा बनाते समय हमें कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि बैटर को एकदम पतला रखना है और उसको गाढ़ा नहीं रखना है, और उसको दोनों साइड से इस तरह से आराम आराम से इसको दबा के सेकेंगे तो ये फूल जाएगा। पतला घोल ही पैन पर डालना है और इसको ज़्यादा मोटा नहीं फैलाएंगे, अगर मोटा रखेंगे तो ये फूलेगा नहीं, पतला रखोगे तभी फूलेगा। और इस तरह से हम सारे जो है ना गार्लिक पराठे रेडी कर लेंगे अपने। तो 1 कप जो है ना आटे से हमारे कितने सारे पराठे एकदम रेडी हो चुके हैं आप देख सकते हैं। तो 1 कप आटे में हमारे कम से कम इसमें 7-8 हमारे जो है ना गार्लिक पराठे बन चुके हैं। तो बस, और ये देखिए कितना सॉफ्ट है ना, आप इसको ऐसे ही सिंपल भी खाओगे तो भी ये अच्छा लगेगा। आप चाहें तो बच्चों के टिफ़िन में रखें, बच्चों को भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो लेकिन आज हम इसके साथ गार्लिक चटनी तैयार करेंगे, तो गार्लिक चटनी कैसे बनाई जाती है और इसके साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो गार्लिक चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची पाउडर, ठीक है। तो कुटी हुई लाल मिर्ची ले लेंगे, आप चाहें तो साबुत लाल मिर्ची ले लें और उसको भी पानी में पहले भिगो के रख दें, तब भी चटनी बन सकती है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है तो इसीलिए मैं ये लाल मिर्ची लूँगी और इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको ना थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए इसको भिगो के रख देंगे पानी के अंदर, जिससे कि ये थोड़ी मिर्ची सॉफ्ट हो जाए और इससे चटनी बड़ी अच्छी बनेगी। आप इस तरह से रख दें 1-2 मिनट के लिए। चटनी बनाने के लिए अब हम लेंगे मिक्सी जार
इसमें हम चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 8 से 9 लहसुन की कलियाँ, क्योंकि इसमें लहसुन ज़्यादा जाएगा, क्योंकि जब लहसुन की चटनी बना रहे हैं तो लहसुन तो जाएगा ही। तो आधी चम्मच ले लेंगे यहाँ पर जीरा, और जो मिर्ची हमने अभी पानी में सोख करके रखी थी वो इसमें मिला देंगे। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना। और एक चम्मच इसमें हमने वाइट विनेगर मिला दिया है, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। थोड़ी सी इसमें हम चीनी मिला देंगे, और ये हमने मिक्सी में अच्छे से इसको चला लिया है। और इसके बाद ये देखिए हमारी चटनी एकदम तैयार हो चुकी है। इस चटनी को आप जो है ना किसी के साथ भी खाओगे, ये बहुत ही अच्छी लगती है। और आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होंगी। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए आगे भी।